नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के बारे में। किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन से उपराज्यपाल हैं? दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं जैसे महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, इन सब में राज्यपाल होते हैं जैसे राज्यों में, लेकिन जो केंद्र शासित हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं, और कहीं कहीं पर उपराज्यपाल भी ना होकर के प्रशासक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो लद्दाख है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, कश्मीर और लद्दाख जो है ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इनमें लद्दाख के नए जो उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर, जिनको शॉर्ट में आर के माथुर भी कहते हैं। तो राधा कृष्ण माथुर भी दे सकता है ऑप्शन में, और आर के माथुर भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन हैं? जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो कौन हैं? तो ये हैं गिरीश चंद मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि चंडीगढ़, यहाँ पर नोट डाउन है, नोट है कि चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं होते हैं। उपराज्यपाल नहीं होते हैं यहाँ पे, प्रशासक या एडमिनिस्टर होते हैं, प्रशासक या एडमिनिस्टर इनको कहते हैं, तो यहाँ पर ये प्रशासक होते हैं। तो पूछ रहा है लक्षद्वीप के प्रशासक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश्वर शर्मा नियुक्त किए गए हैं। बात आती है लक्षद्वीप की जो कैपिटल वो क्या है, तो है कवारती। कवारती यहाँ की लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली के प्रशासक कौन हैं? तो दादर और नगर हवेली के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं, और यहाँ दादर और नगर हवेली की जो कैपिटल है वो है सिलवासा। सिलवासा यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर और दीव, दादर नगर हवेली और दादर और दीव के नए प्रशासक कौन हैं? तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के भी हैं, क्योंकि जो दादर नगर हवेली है और दमन और दीव है, यहाँ पर एक ही प्रशासक होता है इन दोनों जगहों पर, तो यहाँ के भी प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो शायद आप जानते भी होंगे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये हैं अनिल बैजल जी। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं? चंडीगढ़ के प्रशासक हैं पीवी सिंह बदनौर। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं पीवी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन हैं? तो पांडुचेरी के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। दोस्तों ये तो हो गए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के, लेकिन जो हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के जो ऐसे प्रदेश हैं वहाँ पर जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो इसमें अभी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं गोवा राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। पूछ रहा कौन नियुक्त हुए हैं? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के उप राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, और इसके पहले जो थे वो थे वर्धुला सिंह। इनके पहले के जो राज्यपाल थे वो थे वर्धुला सिंह, लेकिन जो अभी करंट में नियुक्त किए गए हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। अभी एक जगह के एक राज्यपाल और नियुक्त हुए हैं जो हैं मिजोरम। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं पी एस श्रीधरन यहाँ के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? ये हालांकि कुछ टाइम हो बीत चुका है तो आप शायद जानते भी होंगे जो हैं उनका, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।